जब भी गाड़ी लेने का प्लान बनता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली सबसे पहले सोचती है स्विफ्ट वैगनार बलेनो के बारे में, या ये कह लो कि सबसे पहले दिमाग में मारुति सुजुकी की गाड़ियों का नाम ही आता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मारुति सुजुकी ने अपनी शुरुआत किस गाड़ी से की थी? नहीं। तो चलिए मैं बताता हूँ। खाओ माँ कसम। देखिए, 1983 में मारुति सुजुकी ने अपनी पहली कार 800 को लॉन्च किया था, जो कि 3 सिलेंडर 800cc के इंजन के साथ आती थी। इस गाड़ी के मॉडर्न लुक्स और इसके कम प्राइस की वजह से इस गाड़ी को मार्केट में काफी अच्छी जगह मिल पाई, जिससे कि मारुति ने पहली गाड़ी निकाल के ही सक्सेस को अचीव किया। और तो और, इसके कम प्राइस से आप क्या समझते हैं, 1.5 लाख ना 1 लाख ना, ये गाड़ी थी सिर्फ 47,500 की, जो कि इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। आपको 800 कैसी लगती है कमेंट करके बताएं।